मीठा वाला रहता ना तो अच्छा लगता। खुद का गलती, खुद तो आता ही नहीं आ रही है। बढ़िया आई। जब हम फर्स्ट वीडियो शूट करने के लिए गए थे ना, तब हम ये वाला इयररिंग्स पहने थे। तब हमको ज्यादा आइडिया नहीं था कि वीडियो शूट कैसे करते हैं, नॉर्मल करना चाहिए। उस टाइम का है ना, हमको डांस करने के लिए वहाँ पे बोला गया। काफी अच्छा सा स्मेल आ रहा है। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग वीडियो पे, नए दिनों नए शुरुआत के साथ। और अभी जस्ट मैं सो के उठी, सुबह के बज रहे 11। आज जरा सा भी उठने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ना कल दोपहर को हम हेवी टाइप से सो गए थे और शाम को उठे थे डायरेक्ट 6 बजे। रात को नींद ही नहीं आ रहा था, तो लेट से अभी उठे जस्ट। और इतना सारा गाली सुनने के बाद है ना, सोची थोड़ा सा काम कर लेते हैं, वरना फिर और डांट सुनने को मिलेगा। तो अभी है ना पानी चालू हुआ है, बहुत ही हेवी टाइप से, मतलब पानी चल रहा है। तो हम सोचे क्यों ना बगान में दे देते हैं ये पानी। और सारे टंकी वगैरह है ना वो सब भर चुका है, और ऐसे भी हम फ्रेश नहीं हुए थे। और तो सोचे बाड़ी में आकर के दातुन भी कर लेंगे और मस्त पानी भी दे देते हैं। अभी ना हमारे तो बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है, कहीं जाने का मन ही नहीं करता है, तो इधर पानी दे दे देते हैं। और छोटी है ना, आज उसका एग्ज़ाम था 10 बजे से, तो वो तो जा चुकी है। सुबह उठ के हम उसको बोले थे कि हमको उठा देना, हमको उठा भी नहीं दी, क्योंकि रात को नींद ही नहीं आ रहा था हमको, कभी इधर हो रहे कभी उधर। शाम को सो गए थे, लेट से उठे हैं अभी। और मम्मी भी है ना, सब्जी वगैरह सब कुछ बन चुका है मम्मी का। तो यहाँ पे है ना चूल्हा कोयला ख़त्म हो गया था ऐसा पोड़ा, तो वही मम्मी चलाई है अभी। और ये वाला आम मैंने देखो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो देखने में हमको तो खाने का मन करा, बट थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए उसके बाद खाएंगे। ये देखो छोटा सा कितना प्यारा लग रहा है ना, हमको देख के है ना खाने का मन करा, बट अभी नहीं खाएंगे। मम्मी बोल रही है थोड़ा सा बड़ा होने दो, उसके बाद खाएंगे। तो मम्मी है ना कल गई थी धनबाद, गई थी ऐसा मेरे लिए ला दिए ये दतुन, क्योंकि दतुन से है ना मेरा बरस से हमको अच्छा नहीं लगता है, दतुन से ही ठीक लगता है। तो अभी हम फटाफट से ये दतुन कर लेते हैं, और बाकी पानी वगैरह तो उधर दे ही रहे, तो पहले मुँह में है ना पानी ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और ऐसे पानी में खेलने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जब पानी चलता है तो बारिश में भी और ऐसे भी पानी में अच्छा लगता है। तो ऐसा है ना, किसको किसको अच्छा लगता है पानी में खेलना, आप लोग बताना खेलना। और पानी ऐसे बहुत स्पीड में चल रहा, तुरंत ही हो जाएगा। तब जब पानी चलना चाहिए तब तो पानी चलता नहीं है, और अभी फिलहाल इतना पानी दे रहा है, इतना पानी दे रहा है ना कि पानी रखने का जगह नहीं है। तो इधर सारे टमाटर वगैरह कुछ कुछ लगाए थे मम्मी, तो ये देखो ये सब ना पक चुका है, एक ही पका है, बाकी अभी पक रहा है ये देखो। तो उधर भी बहुत सारा हो चुका है, पूरा सूख गया था, कुछ दिन तो पानी नहीं चल रहा था, अभी पूरा पानी दे रहा है। तो ज़्यादा भी पानी मतलब सब्जी वगैरह में देना नहीं चाहिए, क्योंकि गल जाता है वो। तो अभी मम्मी बोल रही है मसाला वगैरह पीस दो, क्योंकि कुछ सब्जी बनाएगी शायद, ऐसे तो एक सब्जी बना चुकी है हमारे घर में सुबह सुबह उठ के। आधा पानी भर चुका है टंकी में, सो इधर भी है ना सारा पानी वगैरह भर चुका है, यहाँ भी पानी वेस्ट हो रहा है। तो मेरा जो भी काम है ना, बर्तन वगैरह धोना, फिर घर खरियाना, ये सब को थोड़ा बहुत मेरा बेड वगैरह सिलवाना, वो सब बाकी है। तो फटाफट काम कर लेते हैं, उसके बाद छोटी का एग्ज़ाम देने के लिए हम उसको बोलते कि सुबह उठ के हमको उठा देना, हम सोचे उसको ऑल द बेस्ट बोलेंगे उसको, लेकिन हमको नहीं उठा दी। कोई बात नहीं, उसका एग्ज़ाम अच्छा ही जा रहा है, तो कम से कम 2 या 4 एग्ज़ाम उसका हो चुका है। ऐसा 5वां एग्ज़ाम था, 6 एग्ज़ाम अभी तो सेमेस्टर में 5 या 6 एग्ज़ाम होने को है। तो अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, आप लोगों से मैं मिलती हूँ काम करने के लिए। अभी नहा धो के है ना फ्रेश हो गया, पूजा वूजा भी कर लिए घर पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। मम्मी बोले फटाफट से नहा धो के पूजा कर लो। फिलहाल अभी छोटी का ये ना एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा 1 बजे से, और पापा अभी आए, तो बहुत दिनों से मैं बोल रही थी ठंडा लेके आना, क्योंकि ये वाला जो सामने हम लोग की दुकान है ना वहाँ पर छोटा सा ही मिलता है, इतना छोटा सा मिलता है, उसी के दाम 20 रुपये देता है। तो पापा जस्ट अभी ला दिए, ये देखने के बाद ना मेरा दिल गार्डन टाइप से हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अभी गर्मी लग रहा है। हम लोग कहते बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा हुआ है, अभी तो घर से बाहर मतलब निकलना भी मुश्किल है, ऐसा गर्मी लग रहा है। फिलहाल जिसका काम है वो लोग तो जा ही रहे हैं, और अभी है ना हम इस पे बहुत सारे इयररिंग्स निकाल के रखे हैं, क्योंकि हम सोचे कि नहा धो के फ्रेश होके वीडियो शूट करेंगे। तो इसमें ना बहुत सारा इयररिंग्स था जिसको अभी हम धो दिए, मतलब धो के सुखाने के लिए रखे थे, मम्मी अंदर कर दी। तो मम्मी बोल रही है कि ये भी इयररिंग्स क्या धोता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रखा ना गंदा हो जाता, तो इयररिंग्स भी धोने से चमकने लगता है। आपको मैं दिखाती हूँ कैसा अभी दिख रहा है। बहुत सारी इयररिंग्स है मेरे, जो कि मैं इस तरह करके रखती हूँ। मेरे पास ना ये इयररिंग्स का एक पत्ता टाइप से रहता है, उस पर लगा के रखते हैं, तो इस पर ना कलर भी लग गया था ये वाला इयररिंग्स पे। इयररिंग्स देख रहे हो ना, इस पर है ना पत्ता, यहाँ पे कलर लग चुका था। जब हम फर्स्ट वीडियो शूट करने के लिए गए थे ना, तब हम ये वाला इयररिंग्स पहने थे। तब हमको ज्यादा आइडिया नहीं था कि वीडियो शूट कैसे करते हैं, नॉर्मल करना चाहिए। उस टाइम का है ना, हमको डांस करने के लिए वहां पे बोला गया था, तो हमको डांस से मतलब हमको पहले कुछ बोला ही नहीं कि हमको वहाँ जा करके डांस वांस करना पड़ेगा। नॉर्मली बोला था लिपसिंग करना पड़ेगा, चलना उलना पड़ेगा, वहाँ जाके बोलता है डांस कराओ, सडनली कोई बोलेगा कि डांस करो, ये वाला स्टेप तो मेरे से होता ही नहीं है। फिलहाल वो सब छोड़ो, अभी मैं ये वाला पी
मस्त लग रहा है, क्योंकि मम्मी बोल रही है ज्यादा मत पीना, खाना भी खाना है, और ये पीने से है ना डकार आता है, फिर कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा। हम लोग जब स्कूल में थे ना, तब पापा इस तरह करके कुछ मिठाई वगैरह लाते थे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अभी भी कुछ बोलने से ना इस तरह करके खरीद के लाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, कि ऐसा रहता है कि हाँ पापा आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। अभी हो रहा है 2 बज चुका है, तो मम्मी बोली फटाफट से खाना खा लो, क्योंकि काफी ज्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो आज मम्मी बनाई है, इधर है भुंजिया, इधर चावल, इधर भिंडी का फ्राई करके मसाला देख के मस्त लगता है। मम्मी जब भी बनाती है ना ऐसा फ्राई करके तो अच्छा लगता है। फिलहाल इधर दाल मतलब पीते नहीं है, दाल हमको अच्छा नहीं लगता है, सूखा सूखा ही नॉर्मल इस तरह हम खा लेते हैं। डरो मत, मैं ही हूँ। तो फिलहाल अभी है ना सो के उठने के बाद सारा काम कर चुके हैं, छोटी भी आ चुकी है, तो अभी मैंने फेस पे ना बेसन लगाए हैं, क्योंकि मेरे फेस पे ना हल्का हल्का सा दाना दाना पिंपल टाइप सा निकल रहा है, तो इससे जितना भी ऑयल रहेगा ना वो सब मतलब सोख लेगा, इस वजह से अभी लगाए हैं। तो ये फाइनली पूरा सूख चुका है ये देखो, तो अभी हम जा रहे हैं ऐसे फेस वॉश करने के लिए। सो गाइज अभी है ना हमारे इधर लाइन कट चुका है, तो हम लोग अभी आ चुके हैं अपनी बारी तरफ बैठने के लिए, और इधर थोड़ा भी हवा नहीं चल रहा। मम्मी यहाँ पे है ना चिकन काट रही है, मैंने चिकन काट के रखी हुई है। सो ये देखो मेरी मम्मी भी हुनरबाज है, सब कुछ कर लेती है। इसका एग्जाम था कैसा गया? मस्त, चोरी करके लिख ली। ऐसा तो देखा देखी होता ही है एग्जाम में। अभी है ना हम रील्स बनाने वाले थे, ढेर सारा रेडी भी हो गए थे, मतलब दूसरा कपड़ा पहन लिए थे, और लिपस्टिक से लगाना था, थोड़ा बहुत कम बालू निकालना था, तो बनाने ही वाले थे, फटाक से लाइन कट गया, तो सोचे चलो बाहर तरफ आ करके थोड़ा बहुत इससे बात करते हैं। सो गाइस अभी पापा लेके आए हैं समोसा, और इधर मेरा चाय रखा हुआ, हम लोग दुनिया पर बैठ के ये पी रही थी चाय, तो मेरे लिए अभी चाय ला दी है। तो फिलहाल समोसा लेके आए हैं पापा, तो इसको निकाल लेते हैं। आइए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए समोसा। मेरा चाय ठंडा हो जाएगा, ये समोसा निकालो, और उसमें चटनी दिया हुआ है। ये हमारे घर के सामने वाला दुकान है ना, वहाँ से समोसा लाया है, और जहाँ हम ट्यूशन करने जाते हैं ना वो वाला समोसा इतना टेस्टी लगता है ना, अंदर में आलू और ये मटर भी डालता है, फिर क्या क्या डालता है, मतलब मस्त लगता है। प्याज लहसुन बिना प्याज लहसुन वाला समोसा भी इतना अच्छा लग सकता है। दिख रहा है, देखो ना, देख रहे बीजी है, कैसे दिख रहा है, डालू ना, एक मोबाइल पकड़े तो हम कैसे डालेंगे। चटनी, और ये रहा हमारा समोसा। समोसा में है ना ये तीखा वाला चटनी डाल दिया, जिसके बस अच्छा नहीं लगेगा खाने, फिलहाल खा के देखते हैं। नहीं अच्छा लग रहा, देखो ना तीखा तीखा लग रहा, तेरे वजह से मीठा वाला रहता तो अच्छा लग। खुद का गलती, खुद तो आता ही नहीं है वीडियो अपलोड करने, हमको चिल्ला रही है बड़ी आई। ले अंडा बजे खा भी नहीं, इंस्टाग्राम भी चलाने नहीं आता ढंग से, ठीक है। अंडा पटक पटक बोल ले तब से, इधर आ गया अंडा, मम्मी ला दी। अभी फाइनली लाइन आ चुका है, इधर चिकन चढ़ा हुआ है, प्याज और तेल, प्याज और उसके बाद चिकन डाल के हल्का सा नमक डाल के मतलब ये कर दिए हैं, चढ़ा दिए, और अभी बहुत ढेर सारा पानी निकल रहा है ये देखो। अभी कुछ भी नहीं, मसाला वगैरह कुछ नहीं दिए हैं, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, चमड़ा वगैरह ये सब साइड करके रखे खिचड़ी बनाने के लिए। और ये चिकन है ना हम चूल्हे में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा गैस है ना वो ख़त्म हो चुका है, तो बैड लक है, इस वजह से चूल्हा पे बना रहे हैं, और चूल्हा वाला खाना ना बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, बना करके जरूर से ट्राई। हल्दी डाल चुके हैं, और अभी इस पर डालने वाले हैं तेज पत्ता, और इधर सारा जो मसाला पीस के रखे थे ये डाल देते हैं। सो बहुत किसी को है ना टमाटर डाल के मतलब चिकन खाना अच्छा लगता है, बट छोटी को है ना टमाटर डाला हुआ चिकन अच्छा नहीं लगता, इस वजह से हम लोग इसमें टमाटर ऐड नहीं करते। और जो हम तेज पत्ता अभी डाले ना ये प्याज डालने के बाद डालना था, बट हमको मिल ही नहीं रहा था, इस वजह से अभी ऐड करते हैं। अभी भी ऐड करने से कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि फ्राई हो ही जाएगा, तो अभी थोड़ा बहुत इसको फ्राई करते हैं, उसके बाद जो मसाला वाला पानी रहता है ये देखो, इस पर मसाला पीसे थे तो इस पर ना पानी डालेंगे, उसका थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर फ्राई करेंगे, और उसमें से थोड़ा सा चिकन निकालेंगे, क्योंकि फ्राई करते करते ये है ना ये पक जाता है, और फिर पानी डाल के मस्त इसको उतार देना है, बस हमारा चिकन ऑलरेडी बन के रेडी हो जाएगा। और उस पर लास्ट में है ना ये मीट मसाला रहता है वो भी ऐड कर सकते हो, बट अभी है घर पे या नहीं है पता नहीं है ऐसे, और लास्ट में धनिया पत्ता वगैरह ऐड कर देना, बस हमारा चिकन बन के रेडी हो जाएगा। फाइनली
अभी है ना हम 2-3 रील्स बनाए और ये लेके आ चुके हैं खाना जो कि हम बनाए चिकन। थोड़ा सा मम्मी मेरा हेल्प कर दी थी क्योंकि हम इधर आ गए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो फिलहाल अभी ये खा करके बताएगी कि कैसा बना है। एक दिखाते एक बार कैसे दिख रहा है। क्या हुआ दिखाना? अरे यार दिखाना, ये ऐसे ही होता है। सो ये देख सकते हो आप लोग चिकन बन करके रेडी हो चुका है और ये अभी खाने वाली है, खा करके बताएगी कैसा बना है, ठीक है? क्योंकि ये है ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं तरी, हाँ तरी टाइप से नहीं रहता, हम सूखा सूखा खाते हैं, ये थोड़ा सा तरी लेके आई है। तो खा करके भी बताओ जल्दी से कैसा बना है। फिलहाल अभी है ना ये जेठालाल सर्च करिए, हम लोग खाते टाइम जरूर से देखते हैं, आप लोग देखते हो कि नहीं कमेंट पे बताना। क्या कटोरी? पता नहीं यार क्या बोल रही है। रात को है ना हमको नींद नहीं आता तो हम इसी तरह वीडियो बना के टाइम पार कर लेते हैं। और किसी ने कमेंट करके बोला था कि आप मेकअप करके क्यों नहीं वीडियो बनाती हो, क्योंकि हमको मेकअप करना पसंद नहीं है और इतना ज़्यादा हेवी गर्मी लग रहा है, कहीं जाते हैं तो ही हम सजते हैं, वरना फिर घर में कौन ऐसे मेकअप करता है ज़्यादा। नॉर्मली थोड़ा बहुत इस तरह बिंदी लगा के और हल्का सा पाउडर लगा लेते हैं, बस हो जाता है। और बाकी तो फिल्टर का काम रहता है ये इंस्टाग्राम पे, इस वजह से हम मेकअप नहीं करते। मेकअप करते हैं जब हमको मन करता है बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा कपड़ा पहन ले, साड़ी वगैरह। सो अभी ये चिकन खा लिए, बोलिए अच्छा बना है। तो आप लोगों को कैसा दिख रहा था वो बताना। अभी हम भी जा रहे खाना खाने के लिए, लेकर के आएंगे। तो वीडियो ऐसे बनाना होगी और किसी ने कमेंट किया था उसका जवाब भी हम दे दिए हैं। का के साथ हमारा झगड़ा हो जाता है। फिलहाल अभी हम खाना लेकर आ चुके हैं, सबको ऐसे खा रहा है, बोल रहा है अच्छा ही बनाया है। फिलहाल मैं खा के नहीं बताऊँगी क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, बहुत जोर से भूख लग गया है हमको। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय गाइस, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना।